अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तैमूर और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है लोडिंग इफेक्ट ऑफ वोल्टेज डिवाइडर बाय सर्किट। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि वोल्टेज डिवाइडर बाय सर्किट होता क्या है। अब ये वोल्टेज डिवाइडर बाय सर्किट एक सिंपल डेफिनेशन है जिसे हम कहते हैं कि ये वो वाला सर्किट है जिसमें जो है वो वोल्टेज हम जो है वो अपनी रिक्वायर्ड लेवल पे डिवाइड करते हैं। हमें जितना वोल्टेज जितनी जितनी मिकदार में जिस जिस कंपोनेंट पे जितना जितना वोल्टेज चाहिए होता है, हम उस जो सर्किट हमने डिज़ाइन किया होता है उसमें उतना जो है वो डिवाइड कर सकते होते हैं। बाइसिंग है ना, बेसिकली बाइसिंग का तो मकसद ही यही है ना कि हम जो है वो सर्किट को इस तरह से बैटरी के टर्मिनल सर्किट के लॉन्ग इस तरह से अप्लाई करें कि हमें जो वोल्टेज है हमारी रिक्वायर्ड जितना हमें चाहिए उस मिकदार पर हम जो है वो उसको डिवाइड कर सकें। तो ये वो वाला सर्किट है जिस पर हम वोल्टेज को अपनी डिजायर्ड अमाउंट के मुताबिक जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। अब लोडिंग इफेक्ट क्या है? तो लोडिंग इफेक्ट की अगर मैं डेफिनेशन करवाऊँ तो लोडिंग इफेक्ट वो वाला इफेक्ट है जो तब प्रोड्यूस होता है जब हम जब जो है वो करंट पास होता है किसी रेजिस्टेंस से। कोई जो हमने रेजिस्टेंस सर्किट में डिज़ाइन किए हुए सर्किट में लगाई हुई है उस रेजिस्टेंस पर से जब करंट पास होगा तो जो इफेक्ट प्रोड्यूस होगा उस इफेक्ट को हम कहते हैं लोडिंग इफेक्ट। यानी ये बेसिकली रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो है वो प्रोड्यूस होने वाला इफेक्ट है जिसे हम लोडिंग इफेक्ट कहते हैं। तो ये इसे अगर डिफाइन करें तो ये बेसिकली जो है वो इफेक्ट है। इट इज़ इफेक्ट विच इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन द करंट पास थ्रू रेजिस्टेंस, यानी व्हेन करंट पास थ्रू रेजिस्टेंस, यानी कि जब जो है वो रेजिस्टेंस के अलांग जो है वो करंट पास होगा तब जो इफेक्ट प्रोड्यूस होगा वो हमारे पास लोडिंग इफेक्ट होगा। अब अगर मैं इसको मज़ीद क्लैरिफाई करूँ तो लोडिंग इफेक्ट वो वाला इफेक्ट है जो उस वक्त प्रोड्यूस होता है जब हम लो रेजिस्टेंस को जो है वो हाई रेजिस्टेंस दोनों को एक सर्किट में कंबाइनली अप्लाई करते हैं तो उन रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो है वो करंट फ्लो करना शुरू कर दे तब जो इफेक्ट हमारे पास प्रोड्यूस होगा उसे हम लोडिंग इफेक्ट कहेंगे। यानी ये बेसिकली सर्किट का जो है वो इफेक्ट है जो करंट के पास होने पर प्रोड्यूस होता है। तो इसकी अगर मैं इक्वेशन बताऊं जो हमने पीछे सर्किट पढ़ा हुआ है ट्रांजिस्टर के केस में, उसकी अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो उसके लिए हमारे पास हमें पता था आर इन बेस जो होती है वो हमारे पास होती है जो होता है सिंपल। अगर वो हम अप्लाई करें वी इज इक्वल टू आई आर वाला, यानी बाई ओम लॉ अगर हम अप्लाई करें वी आई आर, आर फिर किसके इक्वल हो जाएगा यानी कि वी डिवाइडेड बाई आई, और ये किसके है बेस का वोल्टेज है और बेस की जोन्स है वो करंट है। ये दोनों बेस का वोल्टेज और बेस के करंट की जो है वो हमने ओम लॉ से ये वाली इक्वेशन ड्राइव की है। तो अब अगर मैं बेस पे जो करंट है उसकी इक्वेशन लगाऊं तो इसकी जो इक्वेशन हमने पीछे ड्राइव की हुई है वो इस तरह से है, यानी आई बेस इज इक्वल टू थी आई सी ओवर बीटा डी सी। बीटा डी सी एक कांस्टेंट था जो हमने जो है वो इसकी इक्वेशन ड्राइव करते हुए लगाया था। तो अब इसको जो है वो हम इस इक्वेशन में अगर लगा दें तो इसकी इक्वेशन जो है वो हमारे पास प्रोड्यूस होगी वो कुछ इस तरह से हो जाएगी वी बेस डिवाइडेड बाय आई सी ओवर बीटा डी सी। तो ये फाइनल इक्वेशन जो हमारे पास आएगी वो हो जाएगी वी बेस, साथ में इसकी आ जाएगी बीटा डी सी एंड डिवाइडेड बाय आई सी। ये वाली इक्वेशन हमारे पास लोडिंग इफेक्ट की इक्वेशन है जो तब प्रोड्यूस होती है जब करंट जो ये वाला जो करंट है आई सी यानी कलेक्टर का करंट रेजिस्टेंस में से जो है वो पास ऑन होता है तो उस वक्त हमारे पास जो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसे हम लोडिंग इफेक्ट कहते हैं। तो ये आर इन बेस है जो ये बेस हमने पीछे जो है वो स्टिफ और नॉन स्टिफ वोल्टेज डिवाइडर बाई सर्किट में डिस्कस कर रखी है कि अगर ये 10 टाइम ज़्यादा हो यानी कि आर टू से अगर ये 10 टाइम बड़ी हो आर इन बेस अगर 10 टाइम बड़ी हो तो जो हमारे पास सर्किट डिज़ाइन होता है उसे हम स्टिफ वोल्टेज डिवाइडर बाई कहते हैं, उसे हम स्टिफ वोल्टेज डिवाइडर बाई सर्किट कहते हैं। और अगर ये लेस देन हो इससे तो उसे हम कहते हैं नॉन स्टिफ वोल्टेज डिवाइडर बाई सर्किट, यानी उसे हम कहते हैं नॉन स्टिफ वोल्टेज डिवाइडर बाई सर्किट। तो ये बस इसका एक हमारे पास इंट्रो ही था। इसके साथ ही इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।